press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो बहुत ही सशक्त, बहादुर और निपुण मुस्लिम महिला। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंबर जैदी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी हिंदुस्तानी शेरनी और भारत की बेटी सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी। तो ये वीडियो काफी दमदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम डिबेटेबल में, और हमारे साथ मौजूद है नाजिया लाई खान। बहुत बहुत स्वागत है आपका नाजिया। नमस्कार। नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातुहु। भारत माता की जय। वालेकुम अस्सलाम। और आज का जो मुद्दा है नाजिया, मैं क्योंकि हमारे देश में चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल के बीच में कई सारे ऐसे मुद्दे चर्चा में रहे, जिसमें हिंदू मुसलमान, एक हम सब जानते हैं कि जिस तरह से हमारे देश में राजनीति होती है, तो कहीं ना कहीं जाति और धर्म बहुत ज्यादा राजनीति का हिस्सा बना रहता है। इस पूरे माहौल के बीच में मुसलमानों को लेकर काफी सारी चीजें हुई, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी कही गई, योगी आदित्यनाथ भी हैं, और एक तरफ बीजेपी कहती है कि मुसलमानों को हम सबके साथ, सबके विकास में, और उनके लिए हम उनको साथ में लाने की, जोड़ने की, क्योंकि बीजेपी की बहुत सारी ऐसे इनिशिएटिव और स्कीम्स है सरकार की भी, उस सबको देखते हुए। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले तो मंच से कई सारी ऐसी बातें कही, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि आपसे लेकर उनको दे दिए जाएंगे जिनके चार बच्चे हैं या जिनके ज्यादा बच्चे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी बुरके को लेकर कहा कि यहाँ पर तालिबान का शासन लगा दिया जाएगा, बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाएगा। इन सारी चीजों को किस तरह से देखते हैं? मुझे कहीं ना कहीं अंबर ऐसा लगता है कि बहुत ही शब्दावली का बहुत ही लिहाज और ध्यान रख करके योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपनी बात कही है और भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी बात कही है। अभी हालिया में हमने देखा था कि एक व्यक्ति सर पर टोपी रख करके, सुन्नत रसूल की दाढ़ी रख करके और साफा पहन करके मोदी जी को थर्ड टर्म में शपथ लेने के बाद मर्डर करने की बात कर रहा था। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा, और व्यूअर्स को अगर देखना है तो वो मैं दिखा भी देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम सत्य के आधार पर बात करें। मेरे हिंदू भाई, मेरे मुसलमान भाई, मेरे सारे मोमिन भाई, अगर इसका हराम पूरी करके अगर मोदी जीतेगा ना, तो कोई लोग करना मत मत बोलना, उसको मार दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। अब आती है दूसरी बात कि जिस तरह से कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने अपनी शब्दावली को इतना ज्यादा आतंकी रूप दिया, उसका जवाब देना भी जरूरी था, जवाब देना बहुत जरूरी था। सलमान खुर्शीद साहब को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे इंटर्नशिप के दौरान मैं फिरोजशाह रोड उनके ऑफिस में जाया करती थी। मुझे सलमान खुर्शीद साहब से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो अपनी भांजी या भतीजी जो है उनके उनके द्वारा वो वोट जिहाद की घोषणा करवा बैठेंगे। एक इतने बड़े रिनाउंड, इतने समझदार, इतने रिनाउंड वकील हो करके और सर्वोच्च न्यायपालिका में प्रैक्टिस करने वाले और भारत देश के कभी फॉरेन मिनिस्टर और कभी लॉ मिनिस्टर रहने वाले सलमान खुर्शीद साहब के होते हुए उनकी ही भांजी मारिया वोट जिहाद का ऐलान करती है, और सिर्फ वोट जिहाद नहीं कहती है, साथ में वो ये भी कहती है कि उन मुसलमानों का हुक्का पानी बंद करवा दो जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। अब इंडिया अलायंस में आते हैं श्रीमती ममता बनर्जी को, वो सर पर आंचल रख करके कहती हैं कि अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा अगर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। दुर्गापुर के मंच से श्रीमती ममता बनर्जी कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में जिहाद होगा। ममता बनर्जी साहिबा कहती हैं कि भाई 19 तारीख को पहली वोटिंग है और 17 तारीख को जो है वो रामनवमी है, ये सारे दंगाबाज जो है दंगा करेंगे। आउटपुट हम मांगते रहेंगे कि आउटपुट कहाँ से आया, आप तुरंत हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाइए कि कौन कौन राम भक्त जो है वो दंगाबाजी करेंगे। अब आती है चौथी बात कि जिस तरह से राहुल गांधी कास्ट सेंसस कराने की बात, एक्सरे कराने की बात कर रहे थे, मेरा कहना सिर्फ इतना था कि जरूर आपके दादा, आपकी दादी, आपके अब्बा अब्बू जान हमेशा बिना धर्म और जात के वो वोटिंग कराने की बात करते थे,
और कई बार ये स्लोगन हमारे कान तक में भी आया है, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, है ना। मंडल कमीशन की बैठक में भी राजीव गांधी साहब ने कहा कि जात पे ना पात पे, इंदिरा गांधी जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। तो आप जो कास्ट सेंसस करा रहे हो, आप मीडिया से पूछ रहे हो कि आपकी जाति क्या है, आप मीडिया जो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है आप उसको भी कटघरे पे, जाति के कटघरे पे खड़ा कर दे रहे हो। तो मेरा कहना है कि 72 फिरका का भी ये करवा दो ना, सर्वे करवा दो ना, इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है। आप हिंदुओं की संपत्ति का एक्सरे करवाना चाहते हो, आप वक्फ बोर्ड का एक्सरे क्यों नहीं करवाना चाहते हैं राहुल बाबा, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का की प्रॉपर्टी का एक्सरे, उनकी संपत्ति का एक्सरे क्यों नहीं कराना चाहते हैं, आप जमायतुल उलमाए हिंद दियोबंद का आप एक्सरे, उनकी संपत्ति का एक्सरे क्यों नहीं कराना चाहते हैं। क्या आपको अमर नहीं पता या मुझे नहीं पता है कि अभी इस वक्त 2023 के अकाउंट्स के हिसाब से वक्फ बोर्ड के पास 2,00,000 करोड़ की संपत्ति है, 2,00,000 करोड़ की संपत्ति है, और रेवेन्यू आता है 165 करोड़ रुपए का हर साल। तो ये पैसा हमारे और आपके और मुसलमान बच्चियों और बच्चों के शिक्षा में तो नहीं लग रहा है, उनकी सेहत में तो नहीं लग रहा है, उनकी उन्नति में तो नहीं लग रहा है, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है। तो ये जो एक तरफा बयानबाजी और मुसलमान वोटर्स को खुश करने के लिए जो ये जो साजिश खेली जा रही है, ये तो बहुत गलत है। अभी मैं आपको हालिया की एक बात बता देती हूँ। मैं महाराष्ट्र में इलेक्शन कैंपेनिंग में गई थी, जहां मैंने महाबलेश्वर में, सितारा में, उसके बाद फिर मैंने पुणे में और बॉम्बे में मैंने कई कैंपेनिंग की है। 1993 में जो कन्विक्ट था इब्राहिम मूसा, जो याकूब मेमन का करीबी था, जो बॉम्ब ब्लास्ट में साथ में था, उसको उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है उससे कंपेनिंग करवा रही है। आप बोलिए कि उद्धव ठाकरे कितना नीचे गिर गया है भाई, इसने तो बाला साहब ठाकरे का नाम डुबा दिया, इसने तो बाला साहब ठाकरे की जितनी भी रूल रेगुलेशन थे और वो जितने बड़े हिंदुत्ववादी थे वो तो सारा इसने डुबा दिया। अब मैं मुसलमान अंबर, आप मुसलमान अंबर, क्या हम लोग याकूब मेमन को कभी भी मुसलमान कौम का एक मसीहा मान सकते हैं? हम लोग क्या इब्राहिम मूसा को अपने बगल में बैठा सकते हैं? हम तो नहीं बैठा सकते। अभी हालिया में देखिए द्योबंद जमायतुल उलमा द्योबंद ने क्या क्या फतवा किया कि मुसलमान बच्चियां जो बाहिजाब हैं वो भी नहीं आ सकती हैं दारुल उलूम। क्यों नहीं आ सकती हैं भाई? क्योंकि वो अपने अपने मोबाइल में रील्स बनाती हैं। तो भैया हम तो हज उमरा करने जाते हैं तो वहां पर भी रील्स बनाते हैं, हम तो तवाफ के वक्त में मुसलमान बहनें और जो भाई हैं वो वीडियो शूट करते हैं, वो फोटोज खींचते हैं। तो आकर दारुल उलूम और द्योबंद के अंदर ऐसा क्या नंगा नाच हो रहा है जो रील्स नहीं बना सकती बच्चियां? तो ये सारी डिस्टर्ब कर रही हैं वो महिलाएं, आके वो आ जाती रील बनाती है, डिस्टर्ब करती है। हज में नहीं हो रहा है डिस्टर्बेंस, उमरा में नहीं हो रहा है डिस्टर्बेंस, तवाफ में नहीं हो रहा है डिस्टर्बेंस, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता है। जो सबसे बड़ा अरकान है हमारा, जो सबसे बड़ा फर्ज है हमारा, उसमें डिस्टर्बेंस मोबाइल से नहीं हो रहा है। और इनको दारुल उलूम में पता नहीं है कौन सा ऐसा ये चिल्ला बांधे हुए हैं, और कौन सा ऐसा नफिल रोजा और नमाज कर रहे हैं, और कौन सा ऐसा तहज्जुद कर रहे हैं जो इनको बड़ा डिस्टर्बेंस हो जा रहा है। अब आती है सातवीं बात, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं हैदराबाद गई थी माधवी लता जी की कंपेनिंग में, वहां मैंने जो देखा है मुझे ऐसा लगा, मैं तो कभी पाकिस्तान गई नहीं हूँ और जाना भी नहीं चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगा कि जितना मैं सुनती हूँ वो पाकिस्तान मैंने चार मीनार पर देखा। हलाला सेंटर बजाबते बोर्ड लगा हुआ था चार मीनार पर, ओल्ड सिटी हैदराबाद ओल्ड सिटी में मुल्ला मौलवियों का पूरा पूरा एक तख्ता बना हुआ है और उस पर वो काले में उर्दू से लिखे हुए हैं कि बीवी देकर जाइए सुबह बाहिफाजत मिलेगी। ये बात अब मैं 2015-16 से कहती आई, मेरे पास इस तरह के बहुत सारे बोर्ड्स की फोटोज और सारी चीजें पूरा हमने पूरी फाइल बनाई थी, लेकिन लोग मानते नहीं, कहते हैं कि स्पॉन्सर्ड है बीजेपी आरएसएस करा रही है। मैं देख करके आई हूँ, मैं वीडियोस करके आई हूँ, मैं उन हमारे भी समाज के लोग इस बात पे बिलीव नहीं करते कि ऐसा कुछ सच में हो रहा है। अच्छा, जिनका निकाह मसियार हुआ है, जिनका निकाह मुत्ता हुआ है, जिन बच्चियों का, मैं उनसे बात करके आई हूँ और उसके वीडियोस मेरे पास है। अब क्या हुआ कि वोटिंग के दिन अगर लेडी प्रिसाइडिंग ऑफिसर या माधवी लता खुद कैंडिडेट लेडी थी, अगर उन्होंने हिजाब उठा करके देख ही लिया, चेहरा आइडेंटिफाई कर ही लिया, तो प्रॉब्लम क्या है? अब मैं आती हूँ इस्लामिक तरीके से, क्योंकि अवेसी अपने आप को मुसलमान का मसीहा बनता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ अवेसी से कि मुझे एक बात बताए अवेसी की, उनके घर की बहू बेटियां और बीवियां, क्योंकि उसके पास बीवियां हैं, बीवी नहीं है, उसके घर की बहू बेटियां और बीवियां जब एयरपोर्ट जाती हैं
तो CISF आईडी कार्ड से हिजाब उठा करके शक्ल नहीं मैच करता है क्या? वहां पर कोई लेडी CISF ऑफिसर आता है क्या? करता है, जो एयरपोर्ट के गेट पर ही CISF ऑफिसर खड़ा होता है। अब उसके बाद आते हैं कि असदुद्दीन अवैसी के घर की औरतें तो जरूर हज की होंगी, हर हाल में की होंगी, उमरा भी की होंगी, तो वहां पर तो जब हम अहरम जब हम डालते हैं तो उसमें तो नाक से थुड्डी तक, चिन तक हम नहीं छुपा सकते, नहीं तो हमारा दम ही नहीं होगा, हमारा वजू ही नहीं होगा, है ना? तो जब हमारे चेहरा पूरा खुला होता है, तो जब हमारे सबसे बड़े फर्ज में, सबसे बड़े फराइज में, सबसे बड़े अरकान में, हज और उमरा के वक्त में जब हम चेहरा नहीं छुपा सकते, तो फिर देश के सबसे बड़े इलेक्शन में अगर चेहरा आइडेंटिफाई कोई लेडी प्रेसाइडिंग ऑफिसर कर ही रही है, तो इसमें गुनाह क्या है? मतलब हिजाब तो एक बहाना था, बोगस वोट करवाना था, तो ये बहुत। लेकिन एक बात ये है कि इस ये जो पूरा मसला उठा, इसमें कई सारे डिबेट्स हुए और उसमें शामिल भी रही जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनके बयान सुने दर्जनों मुस्लिम महिलाओं, किसी ने भी एतराज नहीं जताया। वो कह रहे हैं कि हमें कोई एतराज नहीं है, वोट कर रहे हैं, आपको चेक करना, आप चेक कर लीजिए, क्योंकि हम पे एक वोट नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह अंबर जैदी जी और नाज़िया लाई खान जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा भारत की इन दो मुस्लिम महिलाओं ने ना सिर्फ कट्टरपंथी जिहादियों को, बल्कि जो मजहब के ठेकेदार हैं खासकर ओवैसी जैसे, उनको भी जम के एक्सपोज किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।